नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कैश की कमी पर जनता का सब्र अब टूटता जा रहा है। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के एक फरमान पर बवाल मच गया है। रावत सरकार ने जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम कर्मचारियों को 1.5 घंटे की छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और हिंदू धर्म के नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति बताकर रावत सरकार की इस फैसले के लिए तीखी आलोचना की है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी करने वाले मुसलमान अब सरकारी छुट्टी पर जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने हर शुक्रवार यानी जुमे के दिन मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को नमाज के लिए 90 मिनट की छुट्टी देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने हरीश रावत सरकार के इस फैसले को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है कि उत्तराखंड में इस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि संविधान में सब बराबर हो जाते हैं। अगर धर्म के आधार पे निर्णय होने लग जाए तो ये कहां रुकेगी प्रक्रिया। बहरहाल जब विवाद बढ़ा तो रावत सरकार ने फैसला सुधारने की बजाय एक और अटपटा ऐलान कर दिया। सरकार का कहना है कि दूसरे धर्म के कर्मचारी भी चाहें तो पूजा अर्चना के लिए अवकाश ले सकेंगे। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर वो मांग करेगा कि उसको इस धार्मिक आयोजन में अल्प समय के लिए जाना है तो उसको अनुमति प्रदान करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।